हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ किन्जा जीशान दिस इज़ मी किन्जा तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ चिकन वेजिटेबल स्प्रिंग रोल्स उसके लिए मैंने क्या किया है कि मैंने टू चिकन लेकर होल चिकन लेकर उसको मैंने बॉईल कर लिया अच्छे से और उसको श्रेड कर लिया है और यहाँ पर मैंने लिया है बंद गोभी गाजर स्प्रिंग अनियन रेड बेल पेपर येलो बेल पेपर शिमला मिर्चें बंद गोभी इनको मैंने अच्छे से काट कर इसको रख दिया है और दूसरी साइड पे क्या हो रहा है कि चिकन को मैं पका रही हूँ लाइट सा आ, उसको मैंने गोल्डन ब्राउन कुछ भी नहीं करना बस उसको ऑयल में थोड़ा सा भूनना है ताकि इसका जो कच्चा रॉ स्मेल होती है ना वो ख़त्म हो जाए आप इसमें दो से तीन खाने के चम्मच ऑयल डाल के इसकी भुनाई कर लें थोड़ी देर के लिए फिर इसमें कुछ मसाले शामिल करेंगे लहसन पाउडर ऑरिगैनो नमक ज़ीरा पाउडर काली मिर्चें और दड़ा मिर्चें इन सब स्पाइसीज़ को हम इसके बीच में शामिल कर देंगे और दो से तीन मिनट तक पकाएँगे ज़्यादा देर आपने इसको नहीं पकाना वरना चिकन नीचे लगना शुरू हो जाएगा क्योंकि ये बॉयल्ड है इसको हम अच्छे से इसकी भुनाई कर लेंगे फिर हम इसके बीच में आप क्या करेंगे इसके बीच में सारी वेजिटेबल शामिल कर देंगे जो मैंने ऐसे काट कर रखी हुई हैं और इसमें बहुत मेहनत थी अब मैंने इसमें काफ़ी ज़्यादा वेजेस डाली हैं पहले मुझे लग रहा था ये वेजेस ज़्यादा हो जाएंगी मैं कम डालती हूँ लेकिन फिर मैंने सारी डाल दी थी इसके बीच में अच्छा बहुत से लोग इसको बनाते हैं और डिफरेंट रेसिपीज होती हैं मैं इसको इस रेसिपी से बनाती हूँ कुछ लोग इसको वेजिस को बिल्कुल कच्चा ही रखते हैं बिल्कुल भी नहीं पकाते मैं दो से तीन मिनट के लिए पकाती हूँ ताकि वो उनको लाइट सा क्रंचीपन रहे क्रंचीपन ख़त्म ना हो लेकिन वो सब्जियों का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए अब इसके बीच में मैं सॉस शामिल कर रही हूँ सोया सॉस चिली सॉस और विनेगर इन सब को मैं एक एक खाने के हिसाब से शामिल कर दूँगी और आपको साथ ही साथ बताते चलूँ अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन फ्री में देखने को मिल सके तो लीजिए यहाँ पर हमारा ये मिक्सचर रेडी हो चुका है अब मैंने इसको रख दिया है कि ये ठंडा हो जाए चूल्हे से मैंने उतार दिया है इसको अब मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पर जो रोल की पट्टी है उसका साइज़ फिर यहाँ पे जी मैंने इसको एक बॉल में डाल दिया है ठंडा हो गया मिक्सचर और यहाँ पे मैंने आटे का और पानी को मिक्स करके रख दिया है यहाँ पे जी मैं ट्राई पॉट सेट रही हूँ और अपनी मैं अब वीडियो शूट करने लगी हूँ इस पर सो so, यहाँ पे सेंटर में आप थोड़ा सा मिक्सचर डालेंगे पट्टी के आप मिक्सचर इसमें ज़्यादा कम आपकी मर्जी है मैं मीडियम डालती हूँ ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम अब जो यहाँ से पट्टियाँ मिलती हैं ये मिलती हैं आइडियल बेकर से और ये पट्टी बहुत ज़बरदस्त है ये बड़ा रोल बनता है छोटा रोल नहीं बनता लेकिन इसको ना फोल्ड करने की एक टेक्निक है अगर आप इस टेक्निक को फॉलो कर लेंगे ना तो आपके रोल बहुत ज़बरदस्त बनेंगे अब ये देखें जिस तरीके से मैं इसको ऐसे फ़ोल्ड कर रही हूँ इसी तरीके से सेम इसी प्रोसेस से आपने इसको फ़ोल्ड करना है तो आपके रोल बहुत ज़बरदस्त बनेंगे वरना आप इसको अगर सही फोल्ड नहीं करेंगे तो आप जूँ ही इसको कढ़ाई में डालेंगे तो ये ओपन हो जाएगा ये सारा मिक्सचर वेस्ट हो जाएगा तो इसमें कुछ टेक्निक्स हैं कुछ ट्रिक्स हैं जिसको आप फॉलो करेंगे तो आपके रोल बहुत ज़बरदस्त बनेंगे और बिलीव करें ये बहुत बहुत बहुत, बहुत ज़्यादा मज़े की बनी थी रेसिपी आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और मेरे चैनल पे न्यू है तो चैनल को आपने सब्सक्राइब भी कर देना है ताकि आपको मेरी वीडियोस देखने को मिल सकें और यहाँ पे देखें जी मैंने ये रोल बना दिया है और अब मैं इसको इसी तरीके से सेम प्रोसेस से और भी रोल बना रही हूँ ये मैंने यहाँ से जो मिलती है पट्टी एक किलो के हिसाब से मिलती है मैंने वन एंड हाफ के जी पट्टियाँ मंगवाई थी और ये सारा मिक्सचर उसके लिए इनफ था तो ये देखें घर में आप बनाएं इजीली चीज़ें और पूरे रमज़ान आराम से बैठ के खाएँ ये है आप प्रेप्स ये कुछ रमज़ान से पहले कर लें तो रोज़ा आपका बहुत अच्छे से गुजर सकता है क्योंकि आपको सब कुछ बना हुआ होता है बस निकालो फ्रोज़न फ्राई करो और बस भी रोज़ा इफ्तार करो ये साथ ज़ायरा कुछ और चीज़ें भी बनानी पड़ जाती हैं जैसा कि चाट है पकौड़े हैं वो तो फ़्रेश ही बनाते हैं लेकिन जिसमें ये बहुत ज़्यादा मेहनत वाला काम है ये रोल समोसे ये सब कुछ अगर आप पहले से इनकी प्रेप्स रेडी रखेंगे तो आपके लिए रोज़े बहुत ईजी गुजरेंगे तो आपने इस रेसिपी को ज़रूर 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 ट्राई करना है और मुझे फीडबैक में देना है कि आपकी रेसिपी कैसी बनी थी मैंने ये जो ही बनाए और उसी टाइम हमने फ्राई करके टेस्ट किया कि इनका हम टेस्ट करते हैं ये कैसे हैं और बिलीव में ये बहुत ज़्यादा मजे के बने थे और इनको मैंने अकेले नहीं बनाया था मेरे साथ अनाया ने हेल्प की थी मैं और अनाया हम दोनों मिलकर बना रहे थे अनाया आ गई थी तो उसने कहा कि मैं तुम्हारे साथ बनाती हूँ मैंने कहा चलो ठीक है आ जाओ फिर हम दोनों मिलकर ये रोल बनाते रहे और फिर जी हमने इसको फ्रीज़ कर लिया और अब हम रमज़ान ईज़ीली गुजारे हैं ये जो मेरी वीडियो है ये रमज़ान से पहले की मैंने शूट की भी है लेकिन कुछ टाइमिंग की वजह से मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था इसकी मैं एडिटिंग करूं तो अब भी मैंने टाइम निकाला है अभी शहरी में थोड़ा सा टाइम बाकी था तो मैंने कहा मैं इसी टाइम एडिट कर लेती हूं वरना अब्दुल्ला और वानिया के होते हुए तो मैं बिल्कुल भी नहीं कर सकती दिन के टाइम क्योंकि वो इतना ज़्यादा तंग करते हैं जिसकी कोई हद ही नहीं है खैर इतनी इतनी बातों में देखें मेरे रोल काफ़ी ज़्यादा बनते जा रहे हैं अब मैं ये लास्ट आपको यहाँ से हर एंगल से मैंने आपको दिखाया है कि आप इसकी कैसे फोल्डिंग कर सकते हैं ये बहुत ज़बरदस्त टेक्निक है रोल को फोल्ड करने की आप इस टेक्निक को फॉलो करें आपके रोल बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त बनेंगे और बिलीव करें आप इस रेसिपी को फॉलो करेंगे तो सब आपकी तारीफ़ के बगैर रह नहीं सकेंगे तो मैं आप सारे रोल्स बनाती हूँ फिर आपसे मिलती हूँ सो so, लीजिए जनाब यहाँ पे मेरे सारे रोल्स रेडी हो चुके हैं अब मैं इसको क्या करूँगी फ्रीज़ कर लूँगी और नेक्स्ट डे देखिए मैंने इसको निकाल दिया है अब मैं क्या करूँगी इसको ज़िप लॉक बैग्स में रखूँगी फ़र्स्ट आपने इसको ट्रे में ऐसे लेयरिंग करके ना जो डस्टबिन वाले रैपर होते हैं मैं वो यूज़ करती हूँ उसकी लेयरिंग करके आप फ्रीज़ कर लें ओवर नाइट इसको फ्रीज़ करें नेक्स्ट डे आप इसको निकालें ये फिर ज़िप लॉक बैग में ऊपर नीचे करके आप इसको रख दें ये एक दूसरे के साथ बिल्कुल भी नहीं चिपकेंगे क्योंकि मैं अभी ये यूज़ कर रही हूँ तो ये बहुत इजीली निकल जाते हैं आराम से और आपके फ्रिज में जो है ना जगह भी बहुत ही कम लेते हैं ढेर सारी चीज़ें रख लें और ये थोड़ी सी जगह लेंगी तो सारे मैं जो हैं रोल्स को इस जिप लॉक बैग में रख रही हूँ ये मैं इम्तियाज़ से लेकर आई थी मैंने ये लार्ज साइज़ के लिए हैं जिप लॉक बैग्स तो कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे कि आपने ये ज़िप लॉक बैग्स कहाँ से लिए हैं तो मैंने कहा मैं आपको बता दूँ कि मैंने ये जिप लॉक बैग्स इम्तियाज़ से परचेज़ किए थे ये फ़िफ्टीन का पैक है एक पैक में फिफ्टीन हैं ये पैक्स तो जी मैं सारे रोल्स को इसके बीच में शामिल कर रही हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ सो so, लीजिए जनाब मैंने इन सब रोल्स को इन पैक्स में डाल दिया है तीन पैक में देखें मेरे इतने ज़्यादा रोल्स आ गए हैं अब मैं इसको फ्रीज करने लगी हूँ यहाँ पे देखें जी मैंने तीन रखे हैं रोल के पैक यहाँ पे हैं कीमे वाले समोसे और यहाँ पे फोर बैग्स हैं मेरे मेकरोनी वाले समोसे और यहाँ पर पड़े हुए हैं नगेट्स कोफ्ते और फिर नगेट्स पड़े हैं आपसे मिलूँगी अगली वीडियो में अल्लाह हाफ़े